जनता पार्टी के कंपनियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में उनके चलाए जा रहे कॉलेजों में खुल के मिनिमम वेजेस का वायलेशन हो रहा है। गरीब लोगों को पूरी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनको ओवर टाइम नहीं दिए जा रहे, उनको उनके मेडिकल बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे। जो भी गरीब लोगों को मजदूरों को बेनिफिट सरकार ने तय कर रखे हैं उनका खुला वायलेशन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के स्कूलों में उनकी कंपनियों में उनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजेस में हो रहा है। आपको जानकारी होगी कि और कल थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दी भी थी कि श्रम विभाग ने दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों में 182 संस्थानों की जाँच की है और 182 में से पूरी दिल्ली में 165 संस्थानों में वायलेशन पाए गए हैं मिनिमम वेजेस के, जिसमें कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं वहाँ भी खुल के कार्रवाई हुई है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, कई और कंपनियां भी हैं, ताज होटल जैसी संस्थाएं भी थी जहाँ खुद गोपाल राय जी गए मंत्री जी, 4 कंपनियों के खिलाफ FIR भी सरकार ने करा दी है। अभी जहाँ और वायलेशन मिले हैं वहाँ उनके खिलाफ उनको नोटिस दिए गए ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्कूलों में उनकी कंपनियों में खुल के इतना वायलेशन हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है, जहां वो आउटसोर्स कर रहे हैं वहां भी, जहां खुद एम्प्लॉय कर रखा है उन्होंने वहां भी मजदूरों की पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है। मैं 4-5 आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ उसमें से, उस डेटा में से मैंने देखा कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट है, ये नंद किशोर गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLA रहे हैं, वो से उसके प्रमुख कर्ता धरता है। उसमें जब सर्वे किया, जब रेड किया तो वहां पे पता चला कि सारे गार्ड्स को मिनिमम वेजेस से कम पैसा दिया जा रहा है गार्ड्स को वहां। इसी तरह से किशन लाल जैन एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका पूरा ग्रुप है KLJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वेस्ट में, वहां पर वर्कर्स को मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे, वहां पर वर्कर्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा, वहां पे वर्कर्स का सेटलमेंट नहीं किया जा रहा है, हर तरह की शिकायतें वहां के वर्कर्स को है, मजदूरों को वहां। ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता हैं सुभाष सचदेवा जी, उनका एक उनसे कनेक्टेड एक ग्रुप है इंडोटेक मैग्नेटिक्स। जब वहां रेड की गई तो वहां ऑफिशियली बताया गया वहां से कि हमने सारी कंपनी बंद कर दिया, लिखित में दे दिया, लेकिन दफ्तर खुला हुआ है, दफ्तर में जो भी काम हो रहा है वहां चल रहा है। वहां पे भी मजदूरों ने बताया कि वहां जो गार्ड्स हैं, वहां पे जो सिक्योरिटीज हैं उसके गार्ड्स हैं कि साहब पेमेंट नहीं मिल रहा और ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम कराया जा रहा है, छुट्टियां तक नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल जी, उनका उनसे संबंधित एक स्कूल है, हम सब जानते हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, आधारशिला विद्यापीठ में मजदूरों को वहां गार्ड्स को मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है वहां। इसी तरह से कुलवंत रमेश विधुड़ी जी का शिक्षालयम स्कूल है उनका संगम विहार में, उनसे जुड़ा हुआ, वो उसके प्रमुख कर्ता धर्ता है, वहां पे भी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है पूरी, वहां के गार्ड्स को मजदूरी पूरी मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। कुलवंत राणा जी का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है, वहां भी वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं।